रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेखर और राशि रिश्ते में पति पत्नी थे, लेकिन गांव का होने की वजह से और उसको धोखे में रखकर शादी करने की वजह से राशि अपने पति शेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शेखर अपनी पत्नी राशि के घर में घर जमाई बनकर रहता था ताकि उसकी पत्नी खुश रहे। एक रोज सुबह के समय वो सोफे पर बैठा चाय पी रहा होता है, तभी राशि ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और अपने पति को चाय पीता हुआ देखकर कहती है, अगर आपकी ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने का शौक पूरा हो गया हो तो मेरे बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा है और शावर भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों को बुलवा कर कम से कम घर का काम तो करवा दीजिए। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम शाम को आओगी ना, तब तक तुम्हें सारा काम किया हुआ मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन हाँ, किसी अच्छे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों को बुला लेना, पता चले दोनों का दाम लेकर एक को ही बुलाओ और एक का पैसा खा जाओ। अब मैं तुम्हें चोर और झूठा दिखाई देता हूँ क्या? अब मेरी यही औकात रह गई है क्या इस घर में और तुम्हारी नजरों में? देखिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, और आप तो झूठ और सच की बात करो ही मत। जिसने खुद झूठ बोलकर अपने दोस्तों का घर दिखाकर मुझ जैसी शहर की लड़की को फंसा लिया है, और एक गांव के होकर मुझ जैसी शहर की लड़की को अपनी बीवी बना लिया, वरना तुम जैसे गांव के आदमी के साथ कौन शादी करेगा? चलो मान लिया मैंने तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें झूठ बोला, लेकिन शादी के बाद तो मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया था ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। और तो और, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बन के रहने लग गया हूँ। उसमें भी आपका ही फायदा है, इसलिए आप रह रहे हैं। अब आपको अपने गांव में ऐसा ऐशो आराम कहाँ मिलेगा? अब आपको इन ऐशो आराम की आदत हो गई है, तो आपका मन कैसे लगेगा गांव में? मेरी ही किस्मत खराब थी जो मेरे नसीब में तुम जैसा गांव का पति लिखा था। काश तुम समझ पाते कि मुझे ऐसे आराम की नहीं बल्कि तुम्हारी आदत है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ बस। मेरी बातों को सुनकर कहाँ खो गए? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाइए जो काम बोला है वो करिए। कुछ समय बाद शेखर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी राशि की माँ रजनी सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो राशि के पास आती है और कहती है, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतना मत गिर जाओ कि बाद में उठने में तकलीफ हो। तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है, तुम कितना भी चिढ़ा लो लेकिन ये बात नहीं बदल जाएगी, वो तुम्हारा पति है, गांव का है या शहर का, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ, मेरा पति गांव का हो या शहर का, आपको इस चीज से बेशक फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। उसके अंदर मेरे पति बनने वाले कौन से गुण है? ना उनको कपड़े पहनने का तरीका है, ना वो मेरी तरह पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास पैसा है, कुछ नहीं है उनके पास। फिर भी वो तेरा पति है, ये बात सच है। बस वो गांव का आदमी रिश्ते में बेशक मेरे पति हो, लेकिन मैं उन्हें दिल से कभी पति नहीं मानूंगी, बस। राशि गुस्से में इतना कह कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राशि की नाराजगी और भी बढ़ती जाती है, जिसके चलते वो अपने गांव के पति की इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। ऐसे ही एक रोज राशि अपने कुछ दोस्त के साथ ऑफिस से घर आती है, तभी उसके सभी दोस्तों में से उसकी ज्योति नाम की दोस्त शेखर को देखकर उसे रोकते हुए कहती है, हम सभी लोग बहुत थक गए हैं, आप थोड़ा किचन में जाकर हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आइए ना, बहुत जोर से प्यास लगी है। जी आप बैठिए, मैं अभी नौकरों को क्या करना कोल्ड ड्रिंक मंगवा देता हूँ। नौकरों को कहकर क्यों, तुम खुद भी तो एक नौकर हो, तुम ही ला दो कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो तुम्हारा ही काम है, मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। देखिए आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है, मैं नौकर नहीं हूँ इस घर का, बल्कि मैं। बल्कि क्या, क्या बल्कि, आगे बकवास करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना जाके करो, चुपचाप जाइए और कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। ये लोग आपको जानते नहीं है जो आपकी इंसल्ट होगी, लेकिन अगर हाँ ये बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं तो हमारी इंसल्ट जरूर होगी। राशि के कहने पर शेखर आगे बिन कुछ बोले किचन में चला जाता है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और सबको दे ही रहा होता है कि तभी उसकी सास रजनी बाहर से घर आती है और अपने दामाद को नौकरों की तरह काम करते हुए देखकर गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत,
कि तुम लोग मेरे घर के दामाद से नौकरों वाला काम करवा रहे हो। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आंटी जी आप ये क्या कह रही हैं? ये आदमी राशि का पति है। हाँ क्यों, राशि ने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं आंटी जी, अगर बताया होता हम इनसे नौकरों वाले काम थोड़ी ना करवाते। लेकिन आंटी जी इसमें राशि की गलती नहीं है, इनकी हालत ही देखकर कोई भी इन्हें नौकर ही समझेगा। इनके कपड़ों से तो यही किसी गांव के मजदूर लगते हैं। तूने सही कहा ज्योति, ये वही है तो वही लगेगा ना। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। मतलब गांव का पति और शहर की पत्नी वाली बात हो गई है ये तो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तूने शादी कैसे कर ली इस गांव के आदमी के साथ। धोखे से हुआ है यार, इन्होंने अपने किसी अमीर दोस्त का घर दिखाकर मुझसे शादी कर ली। मैंने भी सोचा गांव ही सही, लेकिन पैसा तो है, पैसे से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सोचा कुछ और हो कुछ और गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ये गांव का आदमी तेरा पति बन गया और तू इसकी शहर की पत्नी। बस करो तुम, और अगर इस तरह से मेरे दामाद की इंसल्ट करनी है तो अपने अपने घर जाओ। रजनी की बात सुनकर राशि के सभी दोस्त गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन राशि की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है। ऐसे ही एक रोज राशि अकेली हॉल में बैठी बुक्स पढ़ रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन गोपी का लड़का अनुज उसके घर आता है, जिसे देखते ही राशि डर जाती है और उसे कहती है, देखो अभी घर में कोई नहीं है इसलिए तुम अभी जाओ यहाँ से, किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो बिना बात के बातें बनाएंगे। घर में कोई नहीं है तभी तो आया हूँ, ताकि तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला ले सकूं। तुमने सबके सामने मेरे प्रपोजल को मना किया था ना, मुझ पे हाथ उठाया था ना तुमने, आज कैसे बचोगी? चुपचाप यहाँ से जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर से मचाओ, सभी मोहल्ले वालों को पता है कि तुम्हारे पति से तुम्हारी नहीं बनती, इसलिए लोगों के आते ही मैं सबको बोल दूंगा कि तुमने ही मुझे बुलाया था, इससे तुम्हारी बदनामी होगी। अनुज इतना कहकर जैसे ही राशि के करीब जाने की कोशिश करता है, तभी राशि गेट की तरफ भागती है और सोफे से टकरा कर जमीन पर गिर जाती है और अनुज उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं कि तभी रजनी अपनी पड़ोस की कुछ औरतों को लेकर घर आती है। सभी औरतें उनको करीब देखकर राशि को बुरा भला सुनाने लगती हैं। राशि के लाख सफाई देने के बाद भी कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। तभी उसका पति शेखर भी वहाँ आता है और उसे देखकर उसकी पड़ोसन गोपी उसे कहती है, देख ले अपनी सहरी पत्नी की करतूत, अकेले होते ही मेरे बेटे को बुला लिया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम इतनी घमंडी लड़की के साथ रह कैसे रहे हो, जो तुम्हें अपने घर के नौकर के सिवा और कुछ नहीं समझती है। तेरी शहर की पत्नी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकली। देखिए ये सब गलत है, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यही मेरे पीछे पड़ा है कई दिनों से, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, मैं सच बोल रही हूँ। सच क्या है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, तूने बस अपने गांव के सीधे साधे पति को उल्लू बना रखा है और कुछ नहीं। आंटी जी आप मेरी पत्नी पे उंगली उठाने से पहले अपने लड़के को देख लो, अगर ये सही होता ना तो यहाँ आता ही नहीं, और आप जैसी माँ ही ना अपने बच्चों को ना गलत कामों में साथ देकर उसको बढ़ावा देती है। मेरी पत्नी शहर की मॉडर्न है लेकिन अपने संस्कार भूलने वालों में से नहीं है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।